मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 10th मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 11 ठीक है। प्रमेय है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज है आपके पास ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है आपके पास पी क्यू आर। समरूप का अर्थ होता है कि आपस में सभी भुजाएं बराबर होंगे। जब भुजाएं बराबर होंगे तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसमें भुजा का अनुपात भी बराबर होगा ए बी अपॉन पी क्यू, फिर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, फिर हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर। ठीक, सिद्ध क्या करना है हमको, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जिसमें रहेगा नीचे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, रचना करेंगे हम लोग इसमें, तो ए एम लंब है किस पर, बी सी पर, और इसी प्रकार से पी आर एन लंब है क्यू आर आर पर। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उत्पत्ति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप बेस इंटू हाइट, ये आपके पास सूत्र है। पहला त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल आप निकाल देंगे, हाँ क्या हो जाएगा बी सी इंटू ए एम, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, फिर हो जाएगा हाफ बेस हो जाएगा क्यू आर और पी एम, इसमें सी दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एक त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एम, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन। अब देखो हमारे पास जो ये त्रिभुज बना है इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए बी एम और दूसरा त्रिभुज आएगा पी क्यू एन, पी क्यू एन। ठीक, इसमें हो जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू का, क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं समरूप के नियम से होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कोण एन इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण एन का, क्यों, क्योंकि लंब है 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू और एन का, किस नियम से, एंगल एंगल के नियम से। ठीक, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा दो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास जो है समरूप त्रिभुज है, कौन कौन समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज या ए बी सी का, ए बी सी का इसमें क्या हो जाएगा ए बी अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का, ये हम लोग ले लेंगे समीकरण नंबर तीन। तो समीकरण नंबर एक दो और तीन से हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि हम लोग है इसमें क्या कर सकते हैं ए बी अपॉन ए अपॉन पी एम के बराबर क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू का, और इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। तो समीकरण नंबर दो में से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वहां पे बी सी अपॉन क्यू आर इंटू, फिर इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर, इसका मतलब क्या हो गया बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग सभी भुजाओं में से क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, इस प्रकार से तुम्हें को सिद्ध करना है। ठीक है, थैंक यू।